चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और निरहुआ के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि इस टक्कर से अभी से ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मच चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि पवन सिंह और निरहुआ के बीच जो टक्कर होने वाली है वो सीधा सीधी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि जहां सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म क्राइक फाइटर होली पर रिलीज होने वाली है, तो वहीं जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की देशभक्ति फिल्म शेरे हिंदुस्तान भी पूरे भारत में रिलीज होने वाली है। ऐसे में दोनों ही फिल्मों को भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सीधा सीधी घमासान होने वाला है और देखना यह है कि दोनों फिल्मों की टक्कर में से कौन सी फिल्म बाजी मारती है। यह तो रिलीज के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही स्टार ने अपने अपने तरीके से अभी से ही फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से झोंक दिया है। यानी कि पवन सिंह अपनी फिल्म क्राइक फाइटर की प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं निरहुआ भी अपनी फिल्म शेरे हिंदुस्तान को जमकर प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि होली पर दोनों सुपरस्टार के बीच में जबरदस्त टक्कर होने वाली है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि दोनों फिल्मों के टक्कर होने से दोनों फिल्मों को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच की टक्कर में किसी न किसी फिल्म को बहुत कम सिनेमा घर मिलने वाला है। अब देखना यह है कि दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा सिनेमा घरों में रिलीज होती है, या तो होली के मौके पर ही पता चल पाएगी। लेकिन इतना तो कंफर्म हो चुका है कि दोनों के बीच जबरदस्त घमासान होने वाला है। ऐसे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि होली पर आप पवन सिंह की क्राइक फाइटर देखना पसंद करेंगे या फिर देशभक्ति पर फिल्म शेरे हिंदुस्तान आप लोग देखना पसंद करेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।